नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा स्थित सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य में चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान के तहत लगभग 4 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को दिए जाएंगे भूमि के पट्टे और ICSE और ISC के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम आज घोषित होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सौर परियोजना का वर्चुअली राष्ट्र को समर्पण करेंगे। यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उत्कृष्ट तालमेल का एक उदाहरण मानी जा रही है। इसे नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्व बैंक समूह के राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला है और इसे प्रधानमंत्री की अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग्स में भी शामिल किया गया है। रीवा सौर ऊर्जा परियोजना में 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में बने सोलर पार्क में 250 मेगावाट क्षमता वाली 3 सौर ऊर्जा इकाइयां शामिल है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह परियोजना प्रति वर्ष लगभग 15 लाख टन CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। दिल्ली मेट्रो सहित राज्य के बाहर संस्थागत ग्राहकों को आपूर्ति करने वाली यह पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना है। दिल्ली मेट्रो को इस परियोजना से 24% ऊर्जा प्राप्त होगी, जबकि शेष 76% की आपूर्ति मध्य प्रदेश की राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को की जाएगी। रीवा सौर परियोजना को इसके नवाचारों के लिए भारत और विदेशों में सराहा गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसके भुगतान सुरक्षा तंत्र को अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में अनुशंसित किया है। सौर ऊर्जा पार्क को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त उपक्रम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किल कोरोना अभियान के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक प्रदेश में लगभग 4 करोड़ व्यक्तियों का यानी 58% सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। इनमें 47,690 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 599 पॉजिटिव आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के 17 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना संक्रमित अपेक्षाकृत अधिक हैं। इनमें एक्टिव प्रकरणों की संख्या में मध्य प्रदेश अब 16वें स्थान पर आ गया है। श्री चौहान ने कल भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में बिना स्वास्थ्य जाँच के आए जाए नहीं। इधर इंदौर जिले में इस अभियान के तहत अब तक 3,74,906 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस सर्वेक्षण में 2,998 कोविड संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इसके अलावा मलेरिया के 435 और डेंगू के 10 मरीजों की पहचान कर उन्हें उपचार उपलब्ध करवाया गया है। इंदौर जिले में कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों का फीवर क्लिनिक के माध्यम से उपचार किया जा रहा है। अब तक 65,480 मरीज इन क्लिनिकों से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ले चुके हैं। जिले के फीवर क्लिनिकों में अब तक कुल 1,269 मरीज ऐसे आए हैं जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ थी। इन क्लिनिकों से जांच के बाद 303 लोगों को कोरोना के संभावित लक्षण देखते हुए अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं 1,217 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,341 हो गई है। वहीं 12,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। अधिकृत जानकारी के अनुसार राज्य में अब केवल 4,500 ही सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में 46 नए मरीज मिले हैं। वहीं यहां स्थित इब्राहिमगंज में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से प्रशासन ने इस क्षेत्र में 12 से 19 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन का फैसला किया है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 45 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,043 तक पहुंच गई है। जबलपुर में 21 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे यहां संक्रमितों की संख्या 406। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जिस जमीन पर आदिवासी वर्ग के लोग वर्षों से काबिज हैं, उन्हें उस भूमि का पट्टा दिया जाए। साथ ही कब्जाधारी आदिवासियों की जमीनों के पट्टे यदि अन्य लोगों के नाम पर हैं, तो उन्हें तत्काल निरस्त करने की कार्रवाई करें।
गौरतलब है कि हरदा जिले के आदिवासियों ने मंत्री श्री पटेल से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जमीनों पर कब्जा आदिवासियों का ही है, लेकिन पट्टे किसी और के नाम होने से उन्हें राजस्व संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री श्री पटेल ने अनुविभागीय अधिकारी हरदा को निर्देश दिए हैं कि आदिवासियों की कब्जे वाली भूमि पर पट्टा जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ICSE और ISC के 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। ये परिणाम काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी CISCE-ORG और results.CISCE.ORG पर परिणाम देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम SMS के जरिए भी जाने जा सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट पर विवरण दर्ज करना होगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि संबंध विद्यालय प्रधानाचार्य का लॉगिन ID और पासवर्ड का इस्तेमाल कर करियर पोर्टल से भी परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में अब मोबाइल ऐप की मदद से घर बैठे इलाज की सुविधा मुहैया होगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने एंड्रॉइड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से ई संजीवनी OPD ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के इंस्टॉल होने के बाद व्यक्ति डॉक्टर्स OPD पर घर बैठे निःशुल्क सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक 2017 परीक्षा में मेरिट में चयनित 91 महिला परीक्षार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग ने सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। अधिकृत जानकारी के अनुसार सहायक प्राध्यापक के पद पर रसायन शास्त्र विषय में 9 चयनित महिलाओं की नियुक्ति की गई है, वनस्पति शास्त्र में 6, राजनीति शास्त्र में 3, प्राणी शास्त्र में 3, गणित में 3, अर्थशास्त्र में 8, विधि में 3, समाजशास्त्र में 6, मनोविज्ञान, संस्कृत, उर्दू तथा ऑर्गेनिक रसायन में 1-1, भूगोल में 10, इंग्लिश में 7, इतिहास में 6, भौतिक शास्त्र में 9, वाणिज्य में 4 और हिंदी विषय में 8 परीक्षार्थियों को सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। PIB भोपाल आज शाम 4 बजे वर्तमान कोरोना काल और उसके बाद कैसी हो कॉलेज शिक्षा विषय पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। छिंदवाड़ा स्थित मेडिकल कॉलेज में भी अब कोरोना जांच की जा सकेगी। एम्स भोपाल द्वारा यहां स्थापित लैब में टेस्ट करने की स्वीकृति दे दी गई है। कटनी जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा विद्यार्थियों के लिए 2,70,000 से अधिक यूनिफॉर्म तैयार की जाएगी। मंडला जिला कलेक्टर हर्षिता सिंह कलेक्ट्रेट परिसर में कल महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंचल कक्ष का शुभारंभ। सतना जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पर 6 कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है। रतलाम के विधायक चेतन कश्यप ने उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला से चर्चा कर अल्कोहल प्लांट की 10 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का आग्रह किया है। धार जिले के बदनावर में विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए ईवीएम मशीनों को जांचने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उज्जैन के गंधर्व तालाब के सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है। 2.25 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य का कल महापौर वीना जोनवाल ने शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा स्थित सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य में चलाए जा रहे